हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे आप सभी? सो ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवे का आज हमारा सेकंड सेशन रहने वाला है। कल हम लोगों ने हाईवे क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स डिस्कस किए थे और कुछ हाईवे क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स मैं आपको बता चुकी थी, जिसमें हम लोगों ने सरफेस पेमेंट, सरफेस करेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिया था और हम लोग किस अकॉर्डिंग क्लासीफाई करते हैं टेरेन को, लाइक प्लेन टेरेन है, रोलिंग है, माउंटेनियस, स्टीप, वो हमने कल की क्लास में सीख लिया था। सो आज की क्लास में जो टॉपिक्स कवर होंगे उसके आगे ही हम लोग फर्दर कंटिन्यू करेंगे। जितने भी लोगों ने अभी क्लास को ज्वाइन किया है और मेरी कल का सेशन नहीं देखा है तो आप वो रिकॉर्डेड देख सकते हो, इसी सेम चैनल पर आपको मिल जाएगी कल की क्लास। सो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था पेवमेंट सरफेस करेक्टरिस्टिक, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था पेवमेंट सरफेस करेक्टरिस्टिक्स, और जिसमें हम लोग करेक्टरिस्टिक्स में हमने देखा था आपका फ्रिक्शन हो गया, अनइवननेस हो गया, लाइट रिफ्लेक्टिंग करेक्टरिस्टिक्स, वो सब पढ़ लिया था। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया था अबाउट कैम्बर, और कैम्बर या फिर जिसे हम लोग क्रॉस स्लोप भी बोलते हैं, ये क्यों प्रोवाइड कराया जाता है और कितना हमें प्रोवाइड करना है, ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो ये हम लोग कल की क्लास में सीख चुके हैं। तो अपनी आज की क्लास को फर्दर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। जिन्होंने भी क्लास ज्वाइन की है एक बार कमेंट सेक्शन में ये बताना ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को। यस, सो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले जैसे कि आपको मैंने बताया कि कुछ नए बैच कोर्सेज हमारे स्टार्ट हुए हैं अनअकैडमी पर, उन नए बैच कोर्सेज के बारे में आपको कल की क्लास में भी बताया था। सो जो भी नए बैच कोर्सेज आते हैं, आप जब भी अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप इन बैच कोर्सेज में ऐड हो सकते हो प्लस सब्सक्रिप्शन लेकर, लेकिन और प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए आपको डिस्काउंट मिल जाता है अगर आप अनअकैडमी कॉम्बैट में अच्छा परफॉर्म करते हो। ये जो अनअकैडमी कॉम्बैट होता है ये आपका टेस्ट सीरीज़ है, हर संडे को होती है, टाइम सेम रहता है सुबह का 11 बजे, और 25th को नेक्स्ट कॉम्बैट होने वाला है इस मंथ का जो लास्ट संडे होगा, और टाइम सेम रहेगा 11 बजे का। और जितने भी क्वेश्चंस कॉम्बैट में आते हैं उन सभी का सॉल्यूशन आपको PDF फॉर्म में भी मिल जाता है और वीडियो सॉल्यूशन की फॉर्म में भी मिल जाता है। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस के आंसर करते रहोगे आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी शो होती रहेगी। तो जितने भी लोग कॉम्बैट में अच्छा परफॉर्म करते हैं, टॉप 3 रैंकर्स होते हैं, तो उनको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन मिलता है 1 साल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में। और बाकी जो टॉप 1 से 100 में आ रहे हैं तो आप देख रहे हो 75% ऑफ, 50% एंड 25% का डिस्काउंट। ओके, और मैंने आपको बताया कि पिछले कल से कुछ नए बैच कोर्सेज स्टार्ट हुए हैं जो GATE 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। सो वर्ब फॉर GATE 2023 ये इंग्लिश बैच कोर्स रहने वाला है, और इसके अलावा एक्सेलरेट बैच GATE and ESC 2022 और आरोहन बैच GATE and ESC 2023 के लिए। तो इन दोनों बैच कोर्सेज में एक एक सब्जेक्ट यहाँ पर स्टार्ट हुए हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। साथ ही साथ में मेरा एक सर्वेइंग पर एक डिटेल कोर्स आ रहा है, और सर्वेइंग का ये जो डिटेल कोर्स रहने वाला है ये 26 से स्टार्ट होने वाला है, और 26 जुलाई से स्टार्ट होगा आपका ये, 26 जुलाई से स्टार्ट होगा, और टाइमिंग जो रहेगी उसमें मॉर्निंग की रहेगी। मेरा जो सर्वेइंग का डिटेल कोर्स आ रहा है मॉर्निंग 11 बजे की क्लास रहेगी आपकी, और 90 मिनट्स का ड्यूरेशन रहेगा क्लास का। तो यहाँ से हम लोग डिटेल में इस सर्वे को पढ़ने वाले हैं अपने इस बैच कोर्स में। और ये जो नया बैच है इसमें सर जो है वो सॉयल मैकेनिक्स पढ़ाने वाले हैं, और जो भी लोग अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हो उनको डायरेक्ट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप यहाँ पर मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हो। तो मेरा रेफरल कोड आप सिमरन गेट या सिमरन के लाइव कोई भी यूज़ कर सकते हो, जितना भी अमाउंट है उसमें डायरेक्ट 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। ओके, सो कल की क्लास में हमने कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, उसके आगे अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो कल हम लोगों ने कैम्बर तक पढ़ लिया था, कैम्बर तक चीज़ें सीख ली थी, क्यों प्रोवाइड कराया जाता है, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि हम लोगों को कैम्बर कितना देना है, और IRC के अकॉर्डिंग ये क्या क्या वैल्यूज़ हैं, मैंने आपको बोला था ये ध्यान रखनी है। सो कैम्बर जो है ये क्रॉस स्लोप है, अगर आप ये एक रोड का सेक्शन बनाते हो और इसका क्रॉस सेक्शन कट करते हो, क्रॉस सेक्शन को कट करके जो आपको स्लोप सामने यहाँ पर नज़र आती है ये आपकी क्रॉस स्लोप है। फिर हमने कल ये भी देखा था इस कैम्बर में जो आपका हाइट ऑफ क्राउन है उसको कैसे कैलकुलेट करना है, और हमने ये देखा था कि कैम्बर कितना प्रोवाइड करना है ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कि टाइप ऑफ पेमेंट कौन सी है, टाइप ऑफ पेमेंट कौन सी है आप जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हो वो, और दूसरा आप इस पे भी डिपेंड करता है कि अमाउंट ऑफ रेनफॉल उस एरिया में कितना होता है,
अमाउंट ऑफ रेनफॉल कितना होता है कि आपको कितना कैम्बर प्रोवाइड करना है, इन दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा था। तो हम क्या देख रहे थे, जब सीमेंट कंक्रीट का रोड होगा, सीमेंट कंक्रीट का रोड होगा और इसके साथ हमने थिन बिटुमिनस लिखा था। एक बार टेबल रिवाइज करवा के आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। थिन बिटुमिनस, वाटर बाउंड मैकेडम और लास्ट आया था आपका अर्दन रोड्स। अर्दन रोड्स फिर हमने देखा था कि जब हैवी रेनफॉल होगा तो उसके लिए कुछ वैल्यूज़ ध्यान रखनी है, तो लाइट रेनफॉल के लिए सेम कुछ वैल्यूज़ वैसे ही कॉपी हो जाएगी। तो हैवी रेनफॉल के लिए क्या बताया था बताओ, सीमेंट कंक्रीट रोड के लिए कितना कैम्बर प्रोवाइड करते हैं। हाय विवेक, सीमेंट कंक्रीट रोड में हैवी रेनफॉल के केस में कितना कैम्बर देते हैं, 1 in आप बाद में भी लगा सकते हो, 50 यहाँ पर लिख लिया, ये वाली वैल्यू होती है 60। तो 50, 40 और 33 आपको याद रखना है। इस 60 के नीचे ये तीन वैल्यूज़ आपको कॉपी कर देनी है, 50, 40 और 33, लास्ट में 25। तो मैंने ये 1 in n की फॉर्म में आपको ये सामने अभी लिखा है, और 1 in n की जगह आप इसको परसेंटेज में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। कल हमने ये भी सीख लिया था कि हाइट ऑफ क्राउन कैसे निकालना है। अब जो कैम्बर है जनरली वो आपका तीन टाइप का होता है, तीन टाइप का कैम्बर प्रोवाइड करा सकते हैं हम लोग। सबसे पहले आता है स्ट्रेट कैम्बर, सबसे पहले आता है स्ट्रेट कैम्बर। हमें ये देखना है किस टाइप का कैम्बर किन व्हीकल्स के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, लाइक फास्ट मूविंग व्हीकल, स्लो मूविंग व्हीकल, तो वो चेक करना है। तो पहला आता है आपका स्ट्रेट कैम्बर, दूसरा आता है आपका पैराबोलिक कैम्बर, और थर्ड वन इज़ योर कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेट एंड पैराबोलिक। तो स्ट्रेट और पैराबोलिक, स्ट्रेट और पैराबोलिक, ठीक है, इतना पोर्शन स्ट्रेट है, बाकी का पोर्शन पैराबोलिक है। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ, ये है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेट एंड पैराबोलिक। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले स्ट्रेट कैम्बर की। जो आप स्ट्रेट कैम्बर प्रोवाइड कर रहे हो, देखो रोड पर चलेगी, मैं कंसीडर करके चल रही हूँ दो टाइप की व्हीकल, एक होगी फास्ट मूविंग व्हीकल, एक होगी स्लो मूविंग व्हीकल। जनरली आपने क्या नोटिस किया होगा, जब आप भी गाड़ी चलाते हो तो आपने भी देखा होगा जो स्लो मूविंग व्हीकल्स होती है, जैसे ऑटो रिक्शा वगैरह होते हैं, मैक्सिमम की बात कर रही हूँ वो, या फिर अगर हम बात करते हैं जो हैवीली लोडेड ट्रक्स हैं, वो एक ही लाइन बनाकर चले होते हैं, के पीछे एक और साइड पर चले होंगे, उनको किसी से ओवरटेक नहीं करना होता। तो मतलब मैं यहाँ पर ये मानकर चल सकती हूँ कि स्लो मूविंग व्हीकल जो होगा वो अपना साइड पर चल रहा है आराम से, और फास्ट मूविंग व्हीकल जो होगा उसको ओवरटेक करना होगा दूसरी व्हीकल से। तो वो किस पार्ट का यूज़ करेगा इस पूरे पेमेंट में, इस रोड पर, वो सेंटर पोर्शन का ज़्यादा यूज़ करेगा, स्लो मूविंग व्हीकल साइड वाले पोर्शन पे रहेगा। अब अगर मैं देखूँ कि कौन सा व्हीकल यहाँ पर ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो रहा है जब हम स्ट्रेट कैम्बर प्रोवाइड कर रहे हैं, ये था आपका स्लो मूविंग व्हीकल, ये था आपका फास्ट मूविंग व्हीकल, बताओ कौन सा व्हीकल है जो ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो रहा है यहाँ पर स्ट्रेट कैम्बर जब आप प्रोवाइड कर रहे हो। साफ साफ दिख रहा है ये क्राउन वाले पोर्शन में आ रहा है फास्ट मूविंग व्हीकल, तो फास्ट मूविंग व्हीकल जो है वो ज़्यादा अनकंफर्टेबल दिख रहा है एज कम्पेयर टू स्लो मूविंग व्हीकल। तो जब आप स्ट्रेट कैम्बर प्रोवाइड कर रहे हो तो उन एरियाज में ज़्यादा दिया जाएगा जहाँ पर फास्ट मूविंग व्हीकल जो है वो कम है, और स्लो मूविंग व्हीकल जिन रोड्स पे ज़्यादा मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकती हूँ, जो फास्ट मूविंग व्हीकल है उसके लिए ये ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो सकता है, और ये स्लो मूविंग व्हीकल के लिए इसके कंपेरिजन में कम्फर्टेबल है, ठीक है, कंपेरिजन में बात कर रही हूँ। पैराबोलिक कैम्बर की बात करते हैं, पैराबोलिक कैम्बर में भी सेम कंसीडर कर लो, जो फास्ट मूविंग व्हीकल है वो सेंटर वाले पोर्शन का ज़्यादा यूज़ करेगा, क्यों, क्योंकि उसको तो ओवरटेक करना है बाकी व्हीकल से, और जो स्लो मूविंग व्हीकल होगा वो साइड पर चल रहा होगा अपना। ये स्लो मूविंग व्हीकल है, ये फास्ट है, इतना ज़्यादा कैम्बर नहीं दिया होता जितना मैंने बनाया है, ठीक है, वो तो आप जब रोड पर नोटिस करोगे, जब बारिशें होंगी जिस तरफ को आपको पानी की डायरेक्शन दिखेगी जाती हुई तो आप नोटिस करोगे कि हाँ यहाँ कैम्बर है। तो पैराबोलिक कैम्बर देखो, ये फास्ट मूविंग व्हीकल, ये स्लो मूविंग व्हीकल, कौन सा ज़्यादा अनकंफर्टेबल है मुझे ये बताओ कमेंट सेक्शन में, कौन सा ज़्यादा अनकंफर्टेबल दिख रहा है इन दोनों केसेस में, फास्ट मूविंग व्हीकल या स्लो मूविंग व्हीकल, जब मैंने पैराबोलिक कैम्बर प्रोवाइड किया है। जब पैराबोलिक कैम्बर प्रोवाइड किया है तो मैं क्या देख रही हूँ, फास्ट मूविंग व्हीकल तो अपना सेंटर पे अच्छे वाले पोर्शन पे है, उसको कोई क्राउन या ऐसा कोई अनकंफर्ट नहीं आ रहा है ना, बिल्कुल प्लेन पार्ट है वहाँ पर है वो। और जो स्लो मूविंग व्हीकल है ये ज़्यादा अनकंफर्टेबल है, ये स्लो मूविंग व्हीकल ज़्यादा अनकंफर्टेबल है। तो इसका मतलब आप पैराबोलिक कैम्बर प्रोवाइड करना वहाँ प्रेफर करोगे जहाँ पर ज़्यादातर फास्ट मूविंग व्हीकल्स चलती हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ इन जनरली इन दोनों का कॉम्बिनेशन स्ट्रेट प्लस पैराबोलिक, ये स्ट्रेट प्लस पैराबोलिक
स्ट्रेट प्लस पैराबोलिक का कम्बिनेशन सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि मिक्स ट्रैफिक होगा उसमें दोनों टाइप की व्हीकल्स होंगी, फास्ट भी होंगी स्लो भी होंगी। तो आपको पता है स्ट्रेट में ज़्यादा कंफर्ट रहता था स्लो मूविंग व्हीकल, और पैराबोलिक में ज़्यादा कंफर्ट रहता था फास्ट मूविंग व्हीकल। तो ये दोनों के लिए जो कम्बिनेशन होगा वो सबसे सही होगा। तो ये तीन टाइप का कैम्बर होता है, स्ट्रेट है, पैराबोलिक है और कम्बिनेशन है। कल ये नहीं बताया था, बाकी हमने कैम्बर के बारे में पढ़ लिया था। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है आपका, दैट इज़ विड्थ ऑफ पेमेंट। ये सबको पता होना चाहिए, विड्थ ऑफ पेमेंट एज पर IRC पेमेंट की विड्थ कितनी कितनी होनी चाहिए। ये अगर एग्जाम में नहीं भी आता तो भी आपको जनरल पता होना चाहिए। IRC ने क्या किया, अकॉर्डिंग टू इंडियन रोड कांग्रेस, अगर आपको पेमेंट विड्थ डिसाइड करनी थी, वो विड्थ डिसाइड करने से पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ना था कि व्हीकल की मैक्सिमम कितनी विड्थ का व्हीकल आप अलाउ करोगे रोड पर चलने के लिए। अब मैक्सिमम कितना विड्थ का व्हीकल रोड पर अलाउ करोगे चलने के लिए, मान लीजिए ये कुछ विड्थ है उस व्हीकल की, और वो कितनी कंसीडर की थी IRC ने, कोई बता सकते हो कितना मैक्सिमम किस विड्थ का व्हीकल रोड पर चलेगा? 2.44 मीटर। 2.44 मीटर विड्थ का व्हीकल हमने IRC ने माना कि इतना विड्थ का व्हीकल मैक्सिमम चलेगा रोड पर, और कैलकुलेशन के लिए हम इसको 2.5 मीटर मान लेते हैं। अच्छा ही है, थोड़ा और स्पेस मिल जाएगा। अब ऐसा रोड तो नहीं बनाएंगे कि पूरा का पूरा 2.5 मीटर का ही विड्थ दे दिया और पूरा व्हीकल उस पर फिट आ रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो 2.5 मीटर इसको कैलकुलेशन के लिए यूज़ कर लेती हूँ। तो जब मुझे यहाँ पर सिंगल लेन रोड बनाना है, कुछ ना कुछ क्लियरेंस भी साइड में रखी है, कुछ ना कुछ क्लियरेंस भी साइड पर रखी है, तो उस क्लियरेंस को भी कंसीडर करके सिंगल लेन रोड के केस में, इन केस ऑफ सिंगल लेन रोड, सिंगल लेन रोड के केस में पेमेंट विड्थ कितनी प्रोवाइड की, कितना होता है विड्थ ऑफ पेमेंट बताइए? 2.5 मीटर है आपका यहाँ पर, जो आपका स्टैंडर्ड व्हीकल है, स्टैंडर्ड व्हीकल है उसका विड्थ कितना, व्हीकल कितना मीटर विड्थ वाला व्हीकल जनरली हम लोग अलाउ कर रहे हैं? नहीं, 3.5 नहीं होता, यहाँ पर हमेशा गड़बड़ होती है। 3.75 जिन्होंने कहा है बिल्कुल करेक्ट है, 3.75 मीटर सिंगल लेन रोड के केस में जो विड्थ होती है दैट इज़ 3.75 मीटर। दूसरे की अगर अगर 3.75 मीटर आप क्लियरेंस निकाल सकते हो, क्लियरेंस कैसे निकालोगे? क्लियरेंस आ जाएगा 3.75 माइनस 2.5 कर दिया, जो वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू आ रही है उसको आप 2 से डिवाइड कर दो। क्यों डिवाइड किया? आधा पोर्शन इधर आधा पोर्शन इधर, तो क्लियरेंस भी याद रहेगी, तो अलग से रटना नहीं पड़ा। 2.5 ये था, 3.75 ये था। अब बात करते हैं डबल लेन रोड की, अब बात करते हैं डबल लेन रोड की। अब डबल लेन रोड के फर्दर दो केसेस आते हैं, विद कर्व और विदाउट कर्व। तो कर्व्स के बारे में आगे बताती हूँ आपको, तो एक विद कर्व आएगा और दूसरा विदाउट कर्व आएगा। अगर विदाउट कर्व और विद कर्व की बात करें, डबल लेन रोड की विड्थ कितनी होती है और विदाउट कर्व कितनी होती है? 7 मीटर विड्थ होती है विदाउट कर्व, और विद कर्व लेते हैं 7.5 मीटर। डबल लेन रोड का मतलब क्या है? अब ये आपका एक व्हीकल चल रहा है, आप सामने से देख रहे हो, ये आपका दूसरा व्हीकल है, इन दोनों व्हीकल्स के बीच का भी कुछ क्लियरेंस कंसीडर किया, प्लस साइड से भी कुछ क्लियरेंस कंसीडर किया। ये दोनों, इन दोनों के बीच का क्लियरेंस प्लस साइड वाला क्लियरेंस, ये पूरा कंसीडर करके मैंने डबल लेन रोड की विड्थ डिसाइड करी IRC ने। तो 7 मीटर और 7.5 मीटर होती है डबल लेन रोड की विड्थ। अच्छा, अगर मैं बात करूँ आपसे, यहाँ पर मल्टी लेन पेमेंट है, अगर मल्टी लेन पेमेंट है, मैं आपको लेन्स भी एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। मल्टी लेन पेमेंट में हर एक लेन की विड्थ कितनी होती है? मल्टी लेन पेमेंट में हर एक लेन की विड्थ कितनी होती है? यहाँ पर आंसर होगा अब आपका 3.5, आप पहले बता रहे थे, तो यहाँ पर आंसर होगा 3.5 मीटर। अब जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि मेरा यहाँ पर मान लीजिए इस तरीके से कुछ नंबर ऑफ लेन्स जो है उनको शो करते हैं, ये बना दिया मैंने मीडियन या फिर सेपरेटर, ये भी पढ़ेंगे अभी आगे। मीडियन या सेपरेटर प्रोवाइड किया जाता है ताकि हेड ऑन कोलिजन ना हो, है ना, हेड ऑन कोलिजन के चांसेस जो हैं वो मिनिमम हो जाते हैं। तो यहाँ से इधर जाने वाली व्हीकल्स के लिए रास्ता है, यहाँ से भी इस डायरेक्शन में जा रही है व्हीकल्स, यहाँ से वापस इस डायरेक्शन में आ रही है। तो इसको आप कितना लेन रोड बोलोगे बताओ, इसको आप क्या बोलोगे, कितना लेन रोड है ये? लेन्स किसे बोलते हो? ये एक लेन है, ये वन लेन है, ये आपका टू लेन हो गया, ये अगला लेन हो गया, ये आपका तीसरा लेन है, ये आपका फोर्थ लेन है, ठीक है, ये आपका फोर्थ लेन है। तो मैंने इसको क्या बोल दिया, ये फोर लेन रोड है,
विद मीडियन, तो इसका मतलब कि टू लेन रोड एक तरफ जाने वाली व्हीकल्स के लिए और टू लेन वापिस आने वाली व्हीकल्स के लिए। अब ये मल्टी लेन है, अगर मुझे इसकी विड्थ को इंक्रीज करना है, अगर मुझे इसकी विड्थ को इंक्रीज करना है, मान लीजिए मैंने इसको 4 से 6 में कन्वर्ट करना है, तो एक लेन मैंने लेफ्ट में दी, एक लेन मैंने राइट में दी, तो यहाँ पर ये हो गया अभी 6 लेन। ठीक है, हमारे पास कुछ लैंड बाउंड्री हम मतलब एक्स्ट्रा रखते हैं कि अगर हमें विड्थ को बढ़ाना भी पड़ जाए तो हमारे पास है कुछ एरिया। अब मैंने इसको 6 लेन बना दिया, तो ये मल्टी लेन पेमेंट बन गई। मल्टी लेन पेमेंट में हर एक लेन की विड्थ कितनी होगी, 3.5 मीटर, ये भी 3.5 मीटर और ये भी 3.5 मीटर। तो अगर मैं आपसे पूछ लेती हूँ कि हाँ ये 3 लेन्स है, तो इन 3 लेन्स की जो मतलब कि हम ये बोल सकते हैं वन वे, तो कितना आपने इसका विड्थ दिया है जो एक ही डायरेक्शन में जा रही है व्हीकल, तो आप 3.5 × 3 कर सकते हो, तो वो आपके पास निकल कर आ जाएगी वैल्यू। तो ये आ जाता है आपके पास मल्टी लेन पेमेंट 3.5 मीटर। फोर्थ आ जाती है आपकी इंटरमीडिएट लेन। इंटरमीडिएट लेन की विड्थ कितनी होती है बताइए, सिंगल लेन 3.75, डबल लेन विद कर्व 7.5, विदाउट कर्व 7 मीटर, मल्टी लेन पेमेंट 3.5 मीटर, इंटरमीडिएट लेन की विड्थ होती है 5.5 मीटर। पहली बात तो ये सारे जितने भी वैल्यूज लिखी हैं ये सारी याद रखनी है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकती है और बाकी एग्जाम्स में भी आ सकती है। अब इंटरमीडिएट लेन क्या है, इंटरमीडिएट लेन जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं, आपने कई जगह क्या देखा होगा, मान लीजिए एक सिंगल लेन रोड रास्ता जा रहा था, ये सिंगल लेन रोड था, सिंगल लेन रोड है, आराम से यहाँ पर व्हीकल्स जा रही है, 3.5 मीटर 3.75 मीटर की विड्थ से रोड दे रखा था। अब क्या हुआ, आगे इस सिंगल लेन रोड के बाद एक मार्केट आ जाती है। अब यहाँ पर आपने देखा होगा यहाँ पर जो विड्थ है वो कुछ ना कुछ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू 3.75 मीटर, है ना। कोई भी इंपॉर्टेंट प्लेस आ जाता है जहाँ पर विड्थ जो होती है कुछ ना कुछ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू योर सिंगल लेन रोड। तो ये इंटरमीडिएट लेन जो है हर जगह नहीं प्रोवाइड कराई जाती। तो मान लीजिए सिंगल लेन रोड आ रहा था, उसकी विड्थ को आपने इंक्रीज कर दिया इस मार्केट के पास, तो ये जो लेन है ये कौन सी है, इंटरमीडिएट लेन, और इसकी विड्थ कितनी होती है 5.5 मीटर। तो इंटरमीडिएट लेन, मल्टी लेन पेमेंट, डबल लेन रोड और सिंगल लेन रोड, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कितना कितना इनका विड्थ होता है, आई होप याद रहेगा। ठीक है, तो विड्थ ऑफ पेमेंट हो गया। अब नेक्स्ट आता है कर्व। कर्व देख रखे हैं क्या सबने, कर्व देख रखे हैं क्या होता है, कर्व क्या होते हैं, ये आपका अगर मैं पेमेंट बना रही हूँ और ये मैंने यहाँ पर आपको टॉप से दिखाया प्लान, ये सेंटर लाइन बना दी मैंने रोड की। अब इस तरफ था गार्डन, ये आपने अपने घर के आसपास अपने कॉलेज में भी देखा होगा, इस तरफ था गार्डन, तो गार्डन को रोड से डिफ्रेंशिएट करना है तो कुछ रेस्ड पोर्शन होता है। अब उस रेस्ड पोर्शन को दिखाते हैं, ये था रोड और या फिर हम लोग बोल सकते हैं ये फुटपाथ है, है ना, फुटपाथ भी बोल सकते हो, कोई गार्डन भी बोल सकते हो, कुछ पार्किंग भी बोल सकते हो, और भी कई जगह पर देखा होगा। तो मान लीजिए अभी के लिए मान लीजिए ये है फुटपाथ, इसको अभी कंसीडर कर लेते हैं समझने के लिए फुटपाथ। तो इस रोड को फुटपाथ से डिफरेंशिएट कर रहा है कुछ पर्टिकुलर हाइट हम लोगों ने प्रोवाइड कर रखी है कि व्हीकल्स इजीली क्लाइम ना कर सके, इस फुटपाथ का यूज़ वो एज अ रेगुलर ट्रैफिक की तरह ना कर पाए। तो कर्व क्या होता है, कर्व किस लिए यूज़ किया हम लोगों ने, इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए। लेकिन अब ये कर्व भी 3 टाइप का होता है, आपने भी देखा होगा कि कई बार क्या होता है जो व्हीकल्स एक्सयूवीज हैं तो वो इजीली क्लाइम कर जाती है, कभी कभी देखा है छोटी गाड़ियाँ होंगी तो वो इजीली क्लाइम नहीं कर पाएंगी कुछ कुछ जगह पर, और बड़ी गाड़ियाँ कर देती हैं। तो हमने और कई बार इतना कर्व दिया जाता है कि कोई भी व्हीकल उसको इजीली क्लाइम नहीं कर पाती। तो देखो 3 टाइप का कर्व हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं, 3 टाइप ऑफ कर्व्स पढ़ते हैं। सबसे पहले लो कर्व, नेक्स्ट आता है मीडियम और पहले हम लो कर्व की बात कर लेते हैं। चलो लो कर्व है तो नाम से पता लग रहा है इस कर्व की हाइट, ये जो हाइट है इसको मैंने कर्व बोला, ये क्या है, ये कर्व। लो कर्व मतलब क्या होगा, इजीली क्लाइम कर सकती है व्हीकल्स इसको, इजीली क्लाइम कर सकती है व्हीकल्स इसको, मतलब कि अगर मुझे ये 2 लेन्स थी, मान लीजिए यहाँ पर रोड था और ये लो कर्व प्रोवाइड कर रहा है और यहाँ पर एक और लेन है और इसको क्रॉस करके मैं दूसरी लेन में चल जाऊँगी। कई बार हम क्या करते हैं कि पूरा चक्कर लगाने की बजाय व्हीकल यहीं से क्लाइम करवा के दूसरी तरफ चले जाते हैं जब हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा घूम के आना पड़ेगा। तो ईजिली जिसको आप क्लाइम कर सकते हो वो क्या है, लो कर्व है। लो कर्व की हाइट कितनी होती है, लो कर्व की हाइट कितनी होती है, 100 mm। ठीक है, 100 mm बहुत कम है ना, बताओ
लो कर्व 100 mm, इसको हम माउंट टेबल कर्व भी बोलते हैं, इसको हम माउंट टेबल कर्व भी बोलते हैं। तो माउंट टेबल कर्व है कुछ इस तरीके से, इस कर्व की जो हाइट है वो कितनी है, 100 mm है, ये आ गया आपका लो कर्व। सेकेंड टाइप ऑफ कर्व जो आता है वो आपका आता है सेमी बैरियर। अब मुझे नाम से क्या पता चल रहा है, सेमी बैरियर है तो कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ रही होगी कि व्हीकल इजीली क्लाइंब नहीं कर पा रहे होंगे, मतलब सारी तरह के व्हीकल इजीली क्लाइंब नहीं कर पाएंगे। अब मुझे बैरियर क्रिएट करना है, मैं बैरियर कैसे क्रिएट करूँगी, देखो जो सेमी बैरियर कर्व होगा ये कुछ इस तरीके का होगा, सेमी बैरियर कर्व होगा कुछ इस तरीके का होगा। देखो सेमी बैरियर कर्व में मैंने क्या प्रोवाइड किया, इसकी जो हाइट है उससे ज़्यादा दे दी, ये 100 mm था, इसकी हाइट मैंने यहाँ पर 150 mm दे दी। इस 150 mm हाइट में से जो टॉप का 75 mm होगा, इस 150 mm हाइट में से जो टॉप का 75 mm होगा उसमें कुछ स्लोप दे दी। ये स्लोप कितनी होती है, 1:1 रखी जाती है, इस स्लोप को कई बार बेटर भी बोला जाता है, तो 1:1। जनरली लो कर्व आप अपने घर के पास देखते हो, जैसे आप पार्किंग है तो गाड़ी को आपको पार्किंग में एकदम लगाना है, तो इस तरीके से ट्राइंगुलर शेप के लो कर्व देखे होंगे आपने, इजिली क्लाइंब कर जाती है व्हीकल्स यहाँ से, देख रखा है, नोटिस किया होगा आसपास, नोटिस किया होगा कि घर के पास आप गाड़ी खड़ी कर रहे हो, तो कब आप ऐसा कभी भी नहीं दोगे, इस टाइप का कब हम कभी भी नहीं प्रोवाइड करते, हम इस टाइप का कब देते हैं ताकि इजीली जो व्हीकल्स है वो इसमें क्लाइंब कर सके, है ना। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सेमी बैरियर कब है, सेमी बैरियर कब को क्लाइंब कर पा रही है व्हीकल्स लेकिन थोड़ा मुश्किल से, तो हम ये वहां पर प्रोवाइड करेंगे, मतलब कि अगर कभी इमरजेंसी हो तो व्हीकल उसको क्लाइंब कर पाए मुश्किल से, लेकिन उसको ऐसे नहीं कि बहुत इजीली क्लाइंब कर पा रही है, तो मतलब कि कभी इमरजेंसी हो तो वो क्लाइंब कर पाए व्हीकल, तो हमने सेमी बैरियर कर्व दिया। तीसरे टाइप का कर्व कौन सा होता है, नाम से ही पता चल जाएगा, थर्ड जो आता है वो आता है बैरियर कर्व। बैरियर कर्व क्या होगा, क्या इसमें व्हीकल्स क्लाइंब कर पाएंगे बताओ, नाम से क्या पता चल रहा है, एक लो कर्व था, एक सेमी बैरियर है, तीसरा आ गया आपके पास बैरियर कर्व, नाम से क्या पता चल रहा है बैरियर कर्व में क्लाइंब कर पाएगी, बैरियर नाम से पता चल रहा है कि नहीं क्लाइंब कर पाएगी, तो इसको वहां पर प्रोवाइड करेंगे। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि यहाँ पर फुटपाथ है और फुटपाथ पे पेडिस्ट्रियन ट्रैफिक बहुत रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा लोग चलते हैं, तो वहाँ पर हम नहीं चाहेंगे कि इमरजेंसी में भी व्हीकल उसको क्लाइम कर सके, तो वहाँ पर ऐसे एरियाज़ में बड़ी बड़ी सिटीज़ में आप बैरियर का भी प्रोवाइड करोगे कि कभी भी व्हीकल उसको क्लाइम ना कर पाए। तो इसके लिए क्या किया जाता है, अब इसकी हाइट जो है और ज़्यादा बढ़ा दी जाएगी, और इसकी हाइट बढ़ा दी जाएगी और ऊपर आप इस तरीके से ये प्रोवाइड कर दोगे, स्लोप दे दोगे। अब कितनी हाइट पे दिया जाता है, टोटल कितनी हाइट होती है बैरियर कर्व की बताइए, पहले वाले की 100 थी, फिर 150 हुई, इसकी बढ़ाकर हमने 200 mm कर दी, इसकी बढ़ाकर हमने हाइट जो है वो 200 mm कर दी। पिछले केस में जो स्लोप थी वो 1:1 रखी थी, 1:1 थी कि थोड़ा मुश्किल से वो क्लाइंब कर जाए, लेकिन यहाँ पर जो स्लोप है वो कितनी दी जाती है, 1 vertical 0. ये यहाँ लिख देती हूँ, 1 vertical 0.25 horizontal, तो ये स्लोप भी वैसे आप ध्यान रख सकते हो, तो इस तरीके से कुछ स्लोप दी जाती है और हाइट जो है वो टोटल 200 mm रखी जाती है ताकि ये इजीली जो है वो क्लाइंब यहाँ पर ना कर पाए। तो तीन टाइप के कर्व्स आए आपके, बैरियर, सेमी बैरियर और लो कर्व, कहाँ पर प्रोवाइड कराए जाते हैं इनके बारे में हमने थोड़ा बहुत समझ लिया। अगला जो हाईवे क्रॉस सेक्शन एलिमेंट आता है, अगला जो हाईवे क्रॉस सेक्शन एलिमेंट है दैट इज़ योर शोल्डर्स। तो ये भी सिंपल सा है, शोल्डर भी आपने देखा होगा, शोल्डर हम लोग क्यों प्रोवाइड करते हैं, कई बार हमें ये शोल्डर एज अ इमरजेंसी लेन काम करना पड़ता है, इमरजेंसी लेन की तरह काम में आते हैं। जैसे जैसे ये हमने एक टू लेन रोड बनाया विदाउट सेपरेटर, ये टू लेन रोड है, ये सेंटर लाइन है, यहाँ से व्हीकल इस डायरेक्शन में जा रही है, यहाँ से व्हीकल इस डायरेक्शन में वापस आ रही है, तो इतने पोर्शन में तो मुझे रेगुलर ट्रैफिक मिल रहा है, यहाँ से जाने वाला व्हीकल, यहाँ से आने वाला व्हीकल। अब हमें कभी रास्ते में गाड़ी को खड़ा करना है, कभी गाड़ी ख़राब हो जाती है, ये वैसे ही खड़ा करना है, तो हम लोग उसको कहाँ पर खड़ा करते हैं, साइड पर ना। कई बार ये शोल्डर, मतलब कि जो आपने एक्स्ट्रा कुछ स्पेस दिया है जो एक इमरजेंसी लेन का काम कर रहा है, अगर ट्रैफिक ज़्यादा हो जाए तो इस पर गाड़ियाँ इसको एज अ लेन की तरह यूज़ भी कर सकती हैं, क्योंकि इसको भी हम उतने ही स्ट्रेंथ से डिज़ाइन करते हैं जितने से आपने साथ वाली पेमेंट को किया हुआ है। तो हमने कुछ एक्स्ट्रा विड्थ प्रोवाइड कर दी, इसको बोला इमरजेंसी लेन या फिर इसको कह दिया हमने शोल्डर। तो शोल्डर प्रोवाइड किया जनरली या तो दोनों तरफ या तो रोड के सिर्फ एक साइड पर,
किस लिए? इमरजेंसी लेन की तरह काम कर रहा है। अब इमरजेंसी लेन की तरह काम कर रहा है, हम कैसे ये चीज़ रखें कि गाड़ियाँ इसको रेगुलर लेन की तरह यूज़ ना करें? तो जो शोल्डर्स होते हैं, आपने देखा होगा ये कभी पेव्ड भी होते हैं, कभी अनपेव्ड भी होते हैं, नोटिस किया है? पेव्ड और अनपेव्ड मतलब मैंने जो टॉप सरफेस था उसमें कोई बिटुमिन या सीमेंट कंक्रीट की लेयर नहीं बिछाई, वो खाली मिट्टी थी, उसको कॉम्पैक्ट किया, वैसे ही रहने दिया, अनपेव्ड। ठीक है, पेव्ड का मतलब है कि मैंने उस पे बिटुमिन का लेयर बिछा दिया है, जैसा मैंने अपनी जो पेमेंट थी उस पर बिछाया था। तो अनपेव्ड और पेव्ड दोनों टाइप के देख रखे हैं बताओ शोल्डर्स, या दोनों तरफ भी देखे होंगे, कभी रोड के एक तरफ भी देखे होंगे? तो ये प्रोवाइड कराए जाते हैं। अगर पेव्ड दिया है, देखो अनपेव्ड तो आप वैसे ही अपनी गाड़ी को उस मिट्टी वाली जगह पे लेकर नहीं जाओगे, इमरजेंसी होगी कभी तो जाओगे। पेव्ड वाले का सरफेस जो होता है वो थोड़ा सा रफ रखा जाता है, इसका सरफेस रफ इसीलिए दिया जाता है ताकि व्हीकल जिसको यूज़ ना करे एज अ रेगुलर ट्रैफिक, अगर पेव्ड इसको आप प्रोवाइड करते हो। ठीक है, तो शोल्डर जो है IRC ने क्या बोला, अब शोल्डर्स को हम ऐसे शो कर सकते हैं, इनको हम ऐसे शो कर सकते हैं। मान लीजिए अभी मीडियन नहीं बताया ना मैंने आपको, तो मीडियन बताना है मैंने अभी। तो मान लीजिए ये मैं सामने से जो क्रॉस सेक्शन कट करके दिखा रही हूँ, ये पोर्शन मैंने मीडियन दिखाया, ये इस तरफ वाली लेन थी, ये वाली लेन, बीच में मीडियन है, एक दूसरी तरफ वाली लेन। तो हमने ये कुछ एक्स्ट्रा विड्थ प्रोवाइड कर रखी है, कुछ एक्स्ट्रा विड्थ प्रोवाइड कर रखी है, इसे क्या बोल दिया हमने, इसे हमने शोल्डर बोल दिया। अच्छा, अब IRC ने क्या बोला, शोल्डर विड्थ कितनी होनी चाहिए एज पर IRC, अगर आप शोल्डर प्रोवाइड कर रहे हो तो ये वैल्यूज़ IRC की सबने ध्यान रखनी है। एज पर IRC विड्थ ऑफ शोल्डर इज़ 2.5 मीटर, विड्थ ऑफ शोल्डर, ये मिनिमम विड्थ ऑफ शोल्डर बता रही हूँ मैं, अगर आप शोल्डर प्रोवाइड कर रहे हो तो मिनिमम विड्थ जो होनी चाहिए वो 2.5 मीटर होनी चाहिए। और ये शोल्डर एक और काम करवाता है हमारा, वो है कैपेसिटी ऑफ लेन बढ़ा देता है। कैपेसिटी ऑफ लेन क्या होता है, ये हम ट्रैफिक इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं और पहले की कुछ क्लासेस में पढ़ा भी रखा है मैंने, है ना? सो हाँ, कर्व इसमें तो हम लोग यहाँ पर मेंशन अभी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने शोल्डर प्रोवाइड किया है तो शोल्डर के साथ आप कर्व नहीं देते, है ना? शोल्डर है और उसके साथ कर्व नहीं होगा। अगर ऐसी कंडीशन है ना, जैसे आप सिटीज़ में रोड देखते हो, ऐसी कंडीशन है कि मान लीजिए ये मीडियन था, ये मीडियन है, और ये एक लेन दिखाई मैंने, ये वन लेन दिखाई, ये सेकेंड वाली लेन दिखाई, फिर इसके साथ मैंने फुटपाथ दिखाया, तो यहाँ मैंने कर्व दिखाया और इसके साथ फुटपाथ दिखाया, तो यहाँ पर नहीं प्रोवाइड किया हुआ ना शोल्डर। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने शोल्डर भी दिया है और फिर आप ये भी प्रोवाइड कर रहे हो, कभी आपको मिलेगा फुटपाथ नहीं है। आप अपने आप चीज़ों को ध्यान में लाओ जो जो आपने रोड्स पर देखी है, है ना? आपने ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर फुटपाथ भी होगा वहाँ पर आपने ये भी प्रोवाइड किया होगा कभी। तो मैं इसीलिए एक में ये सब कुछ नहीं दिखा रही हूँ। अब जहाँ पर आपने एक्स्ट्रा लेन शोल्डर प्रोवाइड किया, हो सकता है वहाँ पर अलग से ऐसा चलने के लिए रास्ता नहीं हो। ये हो गया शोल्डर, जिसकी विड्थ जो है हमने देखी 2.5 मीटर, शोल्डर की विड्थ आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन मीडियंस, अगला जो पॉइंट आता है दैट इज़ मीडियन। मीडियन को हम लोग सेपरेटर भी बोलते हैं। क्यों प्रोवाइड किया जाता है, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, बताओ मीडियन को सेपरेटर भी बोलते हो, मीडियन को क्यों प्रोवाइड कराया जाता है जनरली? अभी वैसे शो भी कर दिया था पीछे जब आपको लेन्स दिखाई थी, जैसे ये एक लेन है और यहाँ पर हमने इस तरीके से एक मीडियन या सेपरेटर प्रोवाइड कर दिया, और यहाँ पर टू वे ट्रैफिक है, दोनों तरफ व्हीकल्स जा रही है, दोनों तरफ व्हीकल्स दिखा दी शो करते हुए। मीडियन और सेपरेटर इसलिए प्रोवाइड कराया है, मतलब अगर एक्सीडेंट के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं ना, यहाँ से जो व्हीकल जा रहा है इसका जो हेडलाइट होगी वो इसकी आंखों में मतलब कोई वो नहीं करेगी, ग्लेयर नहीं कॉज करेगी, जिसकी वजह से हेड ऑन कोलिजन के तो चांसेस बिल्कुल कम हो गए, ये वाली व्हीकल अपना जाएगी, ये वाली व्हीकल अपनाएगी। आपने लिखा हेड ऑन कोलिजन इट डिवाइड्स द लेन, हाँ लेन को तो डिवाइड कर ही रहा है, डिस्ट्रीब्यूट द टू वे ट्रैफिक, तो कोलिजन भी नहीं होने देता, है ना, और ट्रैफिक को एक पर्टिकुलर स्ट्रीम में चलने के लिए ही अलाउ करता है। और हम लोग और क्या बोल सकते हैं, हेडलाइट वाला पॉइंट तो हमने वैसे ही बता दिया, हेडलाइट की वजह से जो सामने से व्हीकल आ रहा होगा, ऑपोजिट साइड से व्हीकल आ रहा होगा, तो उसको भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, और मतलब ट्रैफिक को सेग्रीगेट करके रखता है, ऐसा बोल सकते हैं। अच्छा, मीडियन और सेपरेटर में एज पर IRC, अब यहाँ पर कुछ थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यूज़ हैं जो आपको ध्यान रखनी है।
आईआरसी ने बोला कि मिनिमम मीडियन विड्थ, आईआरसी ने बोला जनरली मिनिमम मीडियन विड्थ कितनी आपको प्रोवाइड करना है, अगर मीडियन दे रहे हो 5 मीटर, लेकिन जहाँ पर लैंड रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन जहाँ पर लैंड इज रिस्ट्रिक्टेड वहाँ पर आप कितना विड्थ देते हो, 3 मीटर। ये जो मैंने आपको वैल्यूज लिखाई, ये लिखाई एज पर आईआरसी। आईआरसी ने बोला अगर आप मीडियन प्रोवाइड कर रहे हो तो मिनिमम विड्थ होनी चाहिए 5 मीटर की, जहाँ पर लैंड रिस्ट्रिक्टेड है वहाँ पर 3 मीटर। लेकिन वहीं पर अगर मुझे पूछ लेते हैं टू रिड्यूस द ग्लेयर कॉज बाय द हेडलाइट, ग्लेयर कॉज बाय द हेडलाइट फ्रॉम ऑपोजिट व्हीकल, हेडलाइट फ्रॉम ऑपोजिट व्हीकल, कि मिनिमम आपको कितना मीडियन की विड्थ देनी चाहिए कि सामने से जो व्हीकल आ रही है उसकी वजह से, उसकी जो हेडलाइट्स है वो आपकी आंखों में परेशानी ना क्रिएट करे, तो वो होनी चाहिए 6 मीटर। अब अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा है ग्लेयर करके पूछा है कि लाइट आपकी आंखों में ग्लेयर ना कॉज करे, तो 6 मीटर आंसर होगा। लेकिन लिखा है मीडियन विड्थ कितनी होनी चाहिए एज पर आईआरसी, मिनिमम तो 5 मीटर। अगर लिखा है लैंड रिस्ट्रिक्टेड तो वहाँ पर होगा 3 मीटर। अब एक और यहाँ पर चीज़ पूछी जाती है, वो क्या है, ऑन ब्रिज, ब्रिज पे वैसे ही आप जब ब्रिज बनाते हो तो वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वैसे ही ज़्यादा आ जाती है, आप ज़्यादा विड्थ का मीडियन प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो ब्रिज में अगर आपको मीडियन देना भी है तो इसकी विड्थ 1.2 से 1.5 मीटर के बीच में रखी जाती है। तो ये अब 3 क्वेश्चंस अलग अलग हो गए, तो 5 मीटर 3 मीटर तो ध्यान रखना है आपको, मिनिमम लैंड रिस्ट्रिक्टेड 6 मीटर, 1.2 और 1.5 मीटर, ठीक है, ध्यान रहेगा सभी को, बताओ। तीसरी चीज़ जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, अर्बन एरियाज़ में अगर ऐसे पूछा हुआ है इन अर्बन एरियाज़ मिनिमम विड्थ, अर्बन एरियाज़ में मिनिमम विड्थ ऑफ द मीडियन कितनी प्रोवाइड करी जाती है, 1.2 मीटर। क्या क्या बताया, आईआरसी के अकॉर्डिंग ये दो वैल्यूज़ 5 मीटर और 3 मीटर। अरे आईआरसी के अकॉर्डिंग, रुको ज़रा ये हट जाएगा ना यहाँ से, नहीं हो रहा, चलो कोई नहीं। आईआरसी के अकॉर्डिंग मिनिमम विड्थ 5 मीटर, लैंड रिस्ट्रिक्टेड 3 मीटर, हेडलाइट की वजह से ग्लेयर कॉज ना हो 6 मीटर, ऑन ब्रिज 1.2 से 1.5 मीटर, ऑन अर्बन एरियाज मिनिमम विड्थ इज 1.2 मीटर। क्लियर है यहाँ तक सभी को, बताओ जितना भी अभी तक पढ़ाया। मीडियन हो गया आपका, हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया कर्व क्या होता है, हम लोगों ने क्रॉस स्लोप को के बारे में भी पढ़ लिया, हम लोगों ने शोल्डर्स के बारे में भी पढ़ लिया। यहाँ तक सारे हाईवे क्रॉस सेक्शन एलिमेंट समझ में आ गए, अब देखो, अब मैं ड्रॉ कर रही हूँ कुछ यहाँ पर हाईवे क्रॉस सेक्शन जो एलिमेंट्स हमने अभी समझे। तो हाईवे क्रॉस सेक्शन एलिमेंट समझे हमने, यहाँ पर ये प्रोवाइड कर दिया, देखो मैंने यहाँ पर मीडियन, अब मैं इसमें कर्व नहीं शो कर रही हूँ, ये मीडियन है और इसको हम लेन बोल देते हैं, एक लेन है, ये दूसरी लेन है। यहाँ तक मान लीजिए ये शोल्डर विड्थ थी, इसको मैं एस से लिख रही हूँ, इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक शोल्डर विड्थ थी, इसको मैंने एस लिख लिया। तो विड्थ लेन, लेन की विड्थ कितनी है प्लस मीडियन की विड्थ कितनी है प्लस जो आपने शोल्डर प्रोवाइड किया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब कि हम क्या बोल सकते हैं, विड्थ ऑफ फॉर्मेशन किस किस का सम होता है, विड्थ ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल्स टू विड्थ ऑफ पेमेंट इंक्लूडिंग मीडियन। अगर मीडियन प्रोवाइड किया है तो उसको भी आपको ऐड करना है, तो विड्थ ऑफ पेमेंट ये वाली विड्थ प्लस ये वाली विड्थ प्लस मीडियन की विड्थ प्लस साथ साथ में शोल्डर की विड्थ, तो विड्थ ऑफ पेमेंट प्लस शोल्डर, इसे हम क्या बोलते हैं, विड्थ ऑफ फॉर्मेशन। तो ये वाली विड्थ आ गई आपकी टोटल फॉर्मेशन विड्थ, या फिर इसको बोलते हैं विड्थ ऑफ फॉर्मेशन। क्लियर है सभी को। अब लेन, अब मैं शोल्डर्स को कंसीडर नहीं कर रही, मैं सिंपल लेन और मीडियन को कंसीडर कर रही हूँ, तो ये वाली जो विड्थ होगी इसे हम बोलेंगे कैरिज वे, तो कैरिज वे क्या होगा, लेन प्लस मीडियन, इनको कंसीडर किया, शोल्डर कंसीडर कर लिए, तो ये टर्म क्या बन जाएगी, विड्थ ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, ये टर्म बन जाएगी विड्थ ऑफ फॉर्मेशन। अब यहाँ पर कुछ बाउंड्रीज आती हैं, इनका अभी वैसे टेबल है आईआरसी का, आप स्टैंडर्ड बुक्स में देख सकते हो,
खन्ना एंड जस्टो में भी मिल जाएगा आपको पूरा टेबल बना हुआ, वो अभी नहीं बना रही मैं यहाँ पर। तो कुछ बाउंड्रीज के बारे में बता रही हूँ। तो सबसे पहले आती है यहाँ पर रोड बाउंड्री, सबसे पहले आती है रोड बाउंड्री। इस रोड बाउंड्री ये लेफ्ट साइड भी है और ये रोड बाउंड्री राइट साइड भी है, रोड बाउंड्री राइट साइड भी है। रोड बाउंड्री से लेकर मतलब टोटल जो रोड बाउंड्री में जो विड्थ आपकी यहाँ पर कवर हो रही है इसे हम बोलते हैं रोड लैंड। कितना लैंड एरिया एक्वायर किया है आप लोगों ने रोड को बनाने के लिए, ये पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा रोड बाउंड्री है, ठीक है। और इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, राइट ऑफ वे बोलते हैं। अभी बता दूंगी आगे अलग से कि राइट ऑफ वे क्या होता है, ठीक है, अभी बता दूंगी राइट ऑफ वे क्या होता है। अनुभव जनरली मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट पढ़ाती नहीं हूँ, है ना, पर मैं आपको इतना ज़रूर बोल सकती हूँ कि आपके रेफरेंस बुक के क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो प्रैक्टिस के लिए वो भी सही है, पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी ज़रूर देख लेना पहले कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, फिर उसके बाद आप रेफरेंस वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए तो मैं मतलब सिंपल बोल रही हूँ कि आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जो भी कॉम्बैट अनअकैडमी के हो गए हैं पहले, उसमें उस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस देखो और उन क्वेश्चंस को कर लो। चलो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मैं करवाती नहीं हूँ, मैं एनवायरनमेंट के लिए ज़रूर बता सकती हूँ कि आप एस के गर्ग बुक जो है आपकी रेफरेंस, तो आप उसके क्वेश्चंस कर लोगे जो उसमें है तो वो इनफ है। अच्छा ये रोड लैंड हो गया, रोड बाउंड्री, इतनी बाउंड्री एक्वायर की है आप लोगों ने रोड बनाने के लिए। इसके बीच बीच ना आप कोई बिल्डिंग बना सकते हो, ना कोई दुकान बना सकते हो, कुछ भी नहीं होना चाहिए इसके बीच में, ठीक है। इससे पीछे एक लाइन है, इससे पीछे जो बाउंड्री है उसको बोला हमने बिल्डिंग लाइन, इसे हमने बोला यहाँ पर बिल्डिंग लाइन, और इस तरफ भी है सेम बिल्डिंग लाइन। अब बिल्डिंग लाइन तो नाम से क्या पता चल रहा है, बिल्डिंग लाइन नाम से क्या पता चल रहा है कि जितनी भी बिल्डिंग्स यहाँ पर बनेगी, आप कमर्शियल बिल्डिंग्स बना रहे हो, आप घर बना रहे हो, तो आपको वो इस बिल्डिंग लाइन से पीछे पीछे ही बनाने हैं। क्यों बनाने हैं, आगे एक टॉपिक आता है सेटबैक डिस्टेंस, जिसने पढ़ रखा है, ध्यान है आपको सेटबैक डिस्टेंस क्या होता है। जब भी हम सेटबैक डिस्टेंस पढ़ते हैं हम ये देखते हैं व्हीकल किसी कर्व पे मूव कर रहा है, तो आपने भी देखा होगा कि जब आप कभी घूमने जाओगे हिली एरियाज में जो टर्न आते हैं बहुत सारे, तो आपको दूर से दिख जाता है कि हाँ वहाँ से बस आ रही है और इतनी देरी पे मुझे ये बस मिल सकती है ना। तो वहाँ पर क्या होता है, वो आपको क्यों नज़र में आ जाता है, क्योंकि बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, वहाँ पर बिल्डिंग्स नहीं बनी हुई, अगर वो बनी होती तो आप एस्टिमेट नहीं लगा सकते थे। इस तरीके के रोड्स देखे ना हिली एरियाज में, अगर मैं यहाँ पहुँची हूँ तो मुझे ये वाला व्हीकल दिख जाता है ना आता हुआ, बताओ। इस टाइप के रोड्स में अगर आप यहाँ गाड़ी चला रहे हो, यहाँ से व्हीकल आ रहा है, मुझे पता चल जाएगा सामने से व्हीकल आ रहा है। अगर यहाँ पर एक बिल्डिंग होती तो क्या आपको दिख जाता कि सामने से व्हीकल आ रहा है, नहीं, तो मुझे ये क्लियरली विजिबल नहीं होता। तो बिल्डिंग लाइन दी जाती है ताकि कुछ बेटर विजिबिलिटी रहे ड्राइवर के पास, तो बिल्डिंग से लाइन से पीछे पीछे आप बिल्डिंग वो बनाओगे, ठीक है। इससे पीछे जो आता है, इससे पीछे आती है कंट्रोल लाइन, इससे पीछे आती है कंट्रोल लाइन, यहाँ पर लिख दिया ये कंट्रोल लाइन, और ये आती है इससे पीछे कंट्रोल लाइन। अब ये कंट्रोल लाइन जो होती है ये उस मतलब कि मान लीजिए गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट चल रहा था और वो यहाँ पर काम कर रहे हैं, और तो उनके कंट्रोल में होगा यहाँ तक का एरिया। कौन सा एरिया, अब मैं आपको हाइलाइटर से दिखाती हूँ, हाइलाइटर से दिखाती हूँ। इस कंट्रोल लाइन से लेकर इस कंट्रोल लाइन तक जिसका भी प्रोजेक्ट है, जो वहाँ पर काम चल रहा है, उनके अंडर इतना एरिया है कि वो इस पूरे एरिया में कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर बिल्डिंग बनाते भी हो तो ये पोर्शन कंट्रोल लाइन तक उनका है। अगर उनको बाद में इसको रोड को, रोड की विड्थ को बढ़ानी भी हो तो गवर्नमेंट के अंडर होगा कि यहाँ पर अगर आपने कोई दुकान बना भी रखी है तो वो तोड़नी पड़ सकती है अगर मुझे विड्थ बढ़ानी पड़ेगी। तो कंट्रोल लाइन के पीछे पीछे आप जो मर्जी बनाओ तो आप सेफ हो, आप कोई भी बिल्डिंग बना सकते हो इस कंट्रोल लाइन से पीछे, अपना घर बनाओ उससे पीछे आपको कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। क्लियर है ये कंट्रोल लाइन क्या है, ठीक है। अब ये जो मैंने यहाँ पर लाइंस बनाई ना, यहाँ इन्हें बॉर्डर कंट्रोल बोलते हैं, इन्हें बॉर्डर कंट्रोल बोलते हैं। इसे हाइलाइटर से रुको, ये जो होता है इसे बोलते हैं बॉर्डर कंट्रोल, ये होता है आपका बॉर्डर कंट्रोल, इसे बॉर्डर कंट्रोल लिखा होगा। सो कैरिज वे विड्थ ऑफ पेमेंट प्लस मीडियन, उसमें शोल्डर भी कंसीडर कर लिए, फॉर्मेशन विड्थ, फिर हमने कुछ एक्स्ट्रा लैंड एक्वायर किया हुआ है जब हम रोड बना रहे हैं, तो वो रोड लैंड, जिस लाइन से पीछे बिल्डिंग बनानी है बिल्डिंग लाइन,
जो वहाँ पर प्रोजेक्ट का काम कर रहे हैं उनके, मतलब कि हम ये बोल सकते हैं उनके कंट्रोल में जितना एरिया है कंट्रोल लाइन, उससे पीछे हम कोई भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। क्लियर है ये सारे पॉइंट्स? तो बताओ समझ आ गए? आप लोगों के पास है रेफरेंस बुक? नहीं तो मैं आपको टेबल बता देती हूँ थोड़ी बहुत, अगर आपको वैल्यूज लिखनी है कि कितना कितना जनरली विड्थ रखा जाता है रोड बाउंड्री का। होगी रेफरेंस बुक तो आप वहाँ से पढ़ लेना, वहाँ से गेट वगैरह में इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता, ठीक है? तो नेक्स्ट टर्म आती है आपका राइट ऑफ वे। मैंने अभी समझाई दिया आपको राइट ऑफ वे। राइट ऑफ वे क्या होता है? सेकेंड ईयर में हो, सेकेंड ईयर में अभी है आपको हाईवे इंजीनियरिंग। राइट ऑफ वे क्या होता है? टोटल लैंड एक्वायर टू अकोमोडेट द रोड अलोंग इट्स अलाइनमेंट। रोड अलोंग इट्स अलाइनमेंट मतलब कि मैंने रोड बनाना था, देखो पहले तो रोड बना नहीं था, तो ये लैंड खाली था ऐसे। मुझे ये पता था मुझे ए सिटी को बी से ज्वाइन करना है, तो ये थी इसकी अलाइनमेंट। मुझे पता थी ये अलाइनमेंट यहाँ से ऐसे जानी है, तो मैंने कितना लैंड एक्वायर किया है, कितनी ज़मीन खरीदी है इस रोड को बनाने के लिए, है ना? तो उसमें हो सकता है कि आपको कटिंग करते हुए फिलिंग करते हुए तो थोड़ा बहुत ये विड्थ आप ज़्यादा एक्वायर करोगे, तो कितना लैंड एरिया आपने एक्वायर किया है अलोंग इट्स अलाइनमेंट, उसे हम राइट ऑफ वे बोलते हैं। और जनरली अगर आप नेशनल हाईवे बना रहे हो इन केस ऑफ प्लेन टेरेन, जनरली आप नेशनल हाईवे बना रहे हो इन केस ऑफ प्लेन टेरेन, तो राइट ऑफ वे जो रखा जाता है वो 45 मीटर, इतने मीटर की विड्थ जो है वो एक्वायर की जाती है, तो इसको हम राइट ऑफ वे बोलते हैं। कितना लैंड एक्वायर किया है टू एकोमोडेट द रोड अलोंग इट्स अलाइनमेंट, ओके? और सेकंड ईयर में हो, जो जो सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स आते जाएंगे वो साथ साथ पढ़ते रहना, कॉलेज के लिए भी तैयारी हो जाएगी और कॉम्पिटिटिव के लिए भी तैयारी हो जाएगी। और मैं तो यहाँ पर हाईवे इंजीनियरिंग कंप्लीट, मतलब आपको अच्छे से रिवाइज करवाने वाली हूँ। हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट मंथ तक आगे लेकर जाएंगे, क्योंकि ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवे अभी इन 5 सेशन में तो नहीं होगा, इसमें थोड़ा और टाइम लगेगा, तो इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू रखेंगे और वैसे ही, ठीक है, हाईवे इंजीनियरिंग रिवाइज करते रहेंगे और कुछ टॉपिक्स हम स्पेशल क्लासेस में भी करते रहेंगे, है ना? हाँ ये सेम है नवनीत, सेम है रोड बाउंड्री और राइट ऑफ वे। रोड बाउंड्री है कितना एरिया हमने एक्वायर किया है, तो उसी एरिया को हम क्या बोलते हैं? राइट ऑफ वे बोलते हैं, और ये जनरली 45 मीटर होता है। किसी को कुछ पूछना है तो बताओ, फिर हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। हाईवे क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स कंप्लीट हो गए, अब हम साइड डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। अभी टाइम है, हम तो साइड डिस्टेंस को स्टार्ट कर देते हैं। साइड डिस्टेंस के फिर हम क्वेश्चंस भी करेंगे यहाँ पर क्लास में, ताकि आपको क्वेश्चंस का भी आइडिया लग जाए, ठीक है? चलिए बात करते हैं साइड डिस्टेंस कंसिडरेशन। डिफरेंट टाइप ऑफ साइड डिस्टेंस पढ़ेंगे, SSD, OSD, ये सब क्या होता है। उससे पहले मुझे पता होना चाहिए साइड डिस्टेंस क्या होता है। जनरली आपसे कोई पूछे तो साइड डिस्टेंस क्या होता है, साइड डिस्टेंस जनरली अगर मैं आपसे पूछूं तो कितना क्या होता है साइड डिस्टेंस, ऐसे हिंदी में अगर बोले इसे, कितना डिस्टेंस विजिबल है मुझे, सामने कितना डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, यही होता है ना साइड डिस्टेंस। साइट डिस्टेंस अगर मुझे बोलना है तो कितना डिस्टेंस मुझे विजिबल है, क्लियरली विजिबल है, तो उसको हम साइड डिस्टेंस बोल देंगे। तो सेम यहाँ पर भी कहानी है, सेम यहाँ पर भी कहानी है। अगर मैं ये हॉरिजॉन्टल कर्व कंसीडर करूँ, अगर मैं हॉरिजॉन्टल कर्व कंसीडर करूँ, हाय आशीष, नहीं नहीं अभी मैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की बात नहीं कर रही, मैं सिंपल अकेला साइड डिस्टेंस बोल रही हूँ कि कितना डिस्टेंस विजिबल है, वो होता है साइड डिस्टेंस। जब स्टॉपिंग लगा देंगे तो इसका मतलब है कि कितना डिस्टेंस मुझे रिक्वायर होगा कि मैं अपनी व्हीकल को सेफली स्टॉप कर सकूँ ताकि कोलिजन भी ना हो, है ना? साइड डिस्टेंस मुझे कितना डिस्टेंस विजिबल है, अब मैं किस डिस्टेंस की बात कर रही हूँ। ऐसे नहीं कि आपको, आप ऐसे किसी हॉरिजॉन्टल कर्व पे थे, आप यहाँ पर अपनी व्हीकल को ऐसे, एक हॉरिजॉन्टल कर्व था, ये मैं प्लान दिखा रही हूँ, ध्यान रखना ये प्लान है, ये रोड की सेंटर लाइन है इस तरीके से जा रही, ये रोड की सेंटर लाइन जा रही है, आप इस पॉइंट पर पहुँचे हो, इस पॉइंट पर पहुँचो, यहाँ से व्हीकल आ रही है, आपको ये दिख गया, तो आप इसे साइड डिस्टेंस नहीं बोलोगे, तो वो समझ रहे हैं कि साइड डिस्टेंस होता क्या है, है ना? जनरली विलेज रोड में भी होता है,
मेरे अभी टेबल है, मैंने मुकेश अभी आपको बताया कि वो नहीं लिखा रही हूँ आपको वैल्यूज़, तो वो डिपेंड कर जाता है ये कितनी कितनी वैल्यूज़ देनी है, ये बिल्ट अप एरियाज़ के लिए, ओपन एरियाज़ के लिए, नेशनल हाईवे बनाना है कौन सा, और हर जगह नहीं प्रोवाइड किया जाता, इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं होती। मैंने आपको सिर्फ इतना बताया नेशनल हाईवे प्लेन टेरेन में जनरली 45 होता है, ठीक है। विलेज रोड्स में अगर आप माउंटेनियस रोड मतलब हिली एरियाज़ में बना रहे हो रोड, तो वो आपकी विड्थ कम भी हो जाती है, 12 मीटर, 12 मीटर, 9 मीटर, तो इतनी ज़्यादा नहीं रहती है विड्थ, ठीक है। 45 मैंने जस्ट एक वैल्यू बेसिक बता दी है, ऐसा नहीं है कि मिनिमम इतनी देनी ही देनी है, ये जस्ट एक जनरल वैल्यू बता दी कि अगर आप प्लेन टेरेन में बना रहे हो नेशनल हाईवे, तो वहाँ के लिए बता दिया मैंने नेशनल हाईवे प्लेन टेरेन में, ओपन एरिया में। ओपन एरिया और बिल्ट अप एरिया भी डिपेंड कर जाता है। बिल्ट अप एरिया का मतलब क्या होगा, आसपास घर बने हुए हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, या फिर कुछ कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन हो रखी है, ठीक है। अब जो मैंने आपको 45 मीटर बताया वो मैंने ओपन एरिया के लिए बताया, ठीक है मुकेश। तो ये डिपेंड कर जाएगा आपका विलेज रोड के लिए, ये वैल्यू 45 से कम हो जाएगी, ये वैल्यू 45 के लिए उसके लिए कम हो जाएगी, क्लियर है। बताइए लिखनी है वैल्यूज़ तो मैं बता देती हूँ आपको, कन्फ्यूज़न तो नहीं है यहाँ पर कोई। ये डिपेंड कर जाएगा कि आप कहाँ पर बना रहे हो, कहाँ पर किस टाइप का रोड बना रहे हो, विलेज रोड है, नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे, आपको बताएं इन सभी जगह पर डिज़ाइन स्पीड अलग अलग होती है, ठीक है। ओपन एरिया है, बिल्ट अप एरिया है, ओपन एरिया आसपास घर कुछ भी नहीं है, इंडस्ट्रीज़ नहीं है, बड़े बड़े वो नहीं है, प्रोजेक्ट्स नहीं है, बिल्ट अप एरिया में होगा ये सब। तो अगर ओपन एरिया में मैं 45 मीटर बोला मैंने, इतना विड्थ ऑफ लैंड एक्वायर कर रही हूँ, तो बिल्ट अप एरिया में नेशनल हाईवे अगर मैं बना रही हूँ, तो ये 45 से 30 हो जाएगी। और किसके लिए वैल्यू है ये, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के लिए, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के लिए। चलो आगे लिख लेंगे इस टेबल को, आपके पास है, सबके पास कोई ना कोई रेफरेंस बुक तो होगी, नहीं तो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, है ना। तो आपको हर एक रेफरेंस बुक में ये टेबल मिल जाएगा जहाँ पर ये वैल्यूज़ लिखी होगी, नहीं मिलता मुझे कल क्लास में बता देना, मैं आपको बता दूंगी कितनी कितनी वैल्यूज़ होती है। अच्छा, नेशनल हाईवे के लिए हम क्या पढ़ रहे थे अभी, हम साइट डिस्टेंस पढ़ रहे थे, कितना डिस्टेंस विजिबल है आपको यहाँ पर, विजिबल की विजिबिलिटी की बात कर रहे थे। अच्छा, तो मैं कह रही थी कि हम प्लान में अगर देखें कि एक व्हीकल यहाँ पहुँचा है, इसने सामने से आते हुए व्हीकल को साइड से देख लिया, तो इस डिस्टेंस को साइड डिस्टेंस नहीं बोला जाता। साइड डिस्टेंस क्या होता है, साइड डिस्टेंस हमेशा अलोंग द सेंटर लाइन ऑफ रोड लिया जाता है। मतलब कि अगर यहाँ से एक व्हीकल इस डायरेक्शन में जा रहा था और यहाँ पर पहुँचा एक व्हीकल वापस इस डायरेक्शन में आ रहा है, कितना डिस्टेंस दूर इसको ये व्हीकल यहाँ पर नज़र आ रहा है, अलोंग द सेंटर लाइन ऑफ द रोड, बाहर से नहीं, अलोंग द सेंटर लाइन ऑफ द रोड, तो उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, साइड डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, साइड डिस्टेंस, इसे हम साइड डिस्टेंस नहीं बोलेंगे, क्लियर है। मतलब कि अगर मैं ये हॉरिजॉन्टल कर्व बनाती हूँ, इसमें भी सेंटर लाइन दिखाती हूँ, यहाँ पर एक व्हीकल है, यहाँ पर एक व्हीकल है, ये इसको देख पा रहा है, ये क्या साइड डिस्टेंस होगा जो मैंने ड्रॉ किया, बताओ। अभी मुझे डिस्टेंस निकालना होगा ना, तो इसलिए बता रही हूँ। अब यहाँ से ये व्हीकल, ये डिस्टेंस किस डिस्टेंस को बोलेंगे साइड डिस्टेंस, ये जो ब्लैक कलर से मैंने लाइन बनाई, ये डिस्टेंस होगा साइड डिस्टेंस, ये वाला नहीं होगा, क्लियर। अब अगर वैल्यूज लिखा दूंगी, एक बार देख लेना रेफरेंस बुक में, अभी लिखा दूंगी नहीं तो लास्ट में, तो ये हो गया साइड डिस्टेंस। अब बात आती है, सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के बारे में, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। साइड डिस्टेंस का मतलब था कितना डिस्टेंस क्लियरली विजिबल है अलोंग द सेंटर लाइन ऑफ रोड। जब मैं बोल रही हूँ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, तो व्हीकल को इजीली स्टॉप करने के लिए, ताकि कोलिजन ना हो, कितना डिस्टेंस विजिबल है, तो उसको हमने स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस बोल दिया। अब आईआरसी ने क्या बोला कि आप स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को किस तरीके से डिफाइन करो। आईआरसी ने कहा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को डिफाइन करना है तो ये मैं एक वर्टिकल कर्व बना रही हूँ, इस वर्टिकल कर्व का सेंटर यहाँ पर कहीं है, और यहाँ पर कहीं पर व्हीकल चल रहा था इस डायरेक्शन में, और यहाँ पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन बना दी मैंने, ठीक है। तो आईआरसी ने बोला आप साइड डिस्टेंस को कैसे डिफाइन करोगे, इस व्हीकल में जो भी ड्राइवर बैठा हुआ है, उस ड्राइवर की आई का लेवल अगर 1.2 मीटर अबव द रोड सरफेस है,
एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 0.15 मीटर अबव द रोड सरफेस, तो कितना डिस्टेंस पहले जो ड्राइवर 1.2 जिस ड्राइवर की आई लेवल 1.2 मीटर अबव द रोड सरफेस है, वो कितना डिस्टेंस पहले ये सामने से आते हुए इस ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पा रहा है। तो इस डिस्टेंस को अलोंग द सेंटर लाइन ऑफ रोड क्या बोल दिया, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। समझ में आया? तो आपको यहाँ पर ड्राइवर आई लेवल, यहाँ पर आपको ड्राइवर आई लेवल भी ध्यान रखना है, इजी से बात है ये 1.2 मीटर, और जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसकी हाइट कितनी है, ऑब्स्ट्रक्शन है उसकी हाइट है 0.15 मीटर। कितना डिस्टेंस पहले आपको ये क्लियरली विजिबल है अलोंग द सेंटर लाइन ऑफ रोड आपको डिस्टेंस लेना है, उसे हम कहते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। किसी को कोई डाउट इसमें स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है? अब ये जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है, ये दो बातें तो मैंने यहाँ से याद रख ली। अब स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस डिपेंड किस चीज़ पे करता है, देखते हैं ये डिस्टेंस ज़्यादा होगा कम होगा ये किस पे डिपेंड करेगा, व्हीकल की स्पीड कितनी है। व्हीकल की स्पीड ज़्यादा होगी तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ज़्यादा होगा। ये कैसे पता चला कि ज़्यादा कम, पहले वो समझ लेते हैं। देखो पहले मुझे पता होना चाहिए स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस किस किस का सम होता है, ठीक है। अब मान लीजिए ये सामने आपका एक व्हीकल है, ये आपका व्हीकल है, यहाँ पर सामने कोई ऑब्स्ट्रक्शन थी, ये सामने कोई ऑब्स्ट्रक्शन है। अभी तो मुझे सामने दिख रहा है कि व्हीकल से ये ऑब्स्ट्रक्शन क्लियरली विजिबल है, पर अभी के लिए 2 मिनट के लिए मान लो ये नहीं दिख रहा है, ये बहुत दूर है, इससे ज़्यादा दूर हम स्क्रीन में अब शो नहीं कर सकते थे। तो इनिशियली व्हीकल इस पॉइंट पर पहुँचा, यहाँ पर जब ड्राइवर ने इस सामने वाली ऑब्स्ट्रक्शन को देख रहा है तो उसको क्लियरली नहीं पता चल रहा है कि सामने किस टाइप की ऑब्स्ट्रक्शन है। तो वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ यहाँ पर आइडिया लगा रहा है कि सामने ये हो सकता है वो हो सकता है। इतने टाइम में वो अपनी गाड़ी को ले जाता है और यहाँ पर पहुँच जाता है। जैसे ड्राइवर इस पॉइंट पर पहुँचा, उसने देखा कि हाँ सामने कुछ जो भी ऑब्स्ट्रक्शन थी उसको क्लियरली विजिबल हो गई, उसने इस पॉइंट पर जस्ट ब्रेक अप्लाई कर दी। ब्रेक अप्लाई करी क्योंकि उसे पता था कि इस ऑब्स्ट्रक्शन तक पहुंचने से पहले उसको रुकना पड़ेगा, तो ब्रेक उसको यहाँ लगानी पड़ेगी। उसने ब्रेक लगाई और उसका जो व्हीकल है वो यहाँ पर आकर रुक गया। क्या हुआ, सबसे पहले इसने सामने ऑब्स्ट्रक्शन देखी, इसको क्लियरली पता नहीं चल रहा था कि गाड़ी की स्पीड कम करूं या रोकूं। जैसे हम मतलब ड्राइवर कंसीडर कर लो, फिर ये चल रहा है आगे, थोड़ा आगे गया इसको ऑब्स्ट्रक्शन दिख गई। अब हो सकता है इसको लग जाए आइडिया कि हाँ मेरा स्पीड कम करके भी काम चल जाएगा या फिर गाड़ी रोकनी भी पड़ सकती है। ब्रेक अप्लाई करने के बाद कितने डिस्टेंस के बाद व्हीकल आगे आकर रुका, उस डिस्टेंस को मैंने D2 कह दिया। और जब मतलब ड्राइवर ने इस ऑब्स्ट्रक्शन को देख लिया था और जब तक उसने ब्रेक अप्लाई की थी, इसके बीच वाला जो डिस्टेंस था उसे मैंने D1 बोला। ये जो D1 डिस्टेंस है इसे हम बोलते हैं लैग डिस्टेंस, जो D1 डिस्टेंस है इसे हम कहते हैं लैग डिस्टेंस, और ये जो D2 डिस्टेंस होता है ये होता है आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस, ठीक है। D1 इज योर लैग डिस्टेंस और D2 इज योर ब्रेकिंग डिस्टेंस। और स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इज द सम ऑफ लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। SSD आपका D1 और D2 का सम होता है। हाँ अभी लैग क्यों होता है वो भी समझते हैं, सो दो डिस्टेंसेस का सम है, एक लैग डिस्टेंस हो गया D1, अभी कैसे निकालना है वो सीखेंगे, प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस, इन दोनों का सम। अब हुआ क्या, बेसिकली इस पॉइंट पर जब ऑब्जर्वर था उसको सामने वाली व्हीकल क्लियरली विजिबल, ऑब्स्ट्रक्शन जो थी वो क्लियरली विजिबल नहीं थी। अब आपने भी कई बार नोटिस किया होगा जब आप व्हीकल चला रहे हो, मान लीजिए बारिश हो रही है, कहीं पेड़ गिरा हुआ है, तो आपको सामने दिख रहा है कि बहुत गाड़ियां खड़ी है, आगे थोड़े डिस्टेंस दूर लोग दिख रहे हैं, पर आपको नहीं पता कि क्या हुआ है, कितनी देर पहले ब्रेक लगानी पड़ेगी या गाड़ी स्लो करके मैं साइड से निकल सकता हूँ, तो कुछ टाइम आपका लग जाता है वो सोचने में ही, है ना। फिर जब आप सोच रहे होते हो, क्या गाड़ी रोककर सोचते हो कि मुझे क्या करना है आगे जाकर, नहीं ना। जब आप ऑब्स्ट्रक्शन को देख लेते हो, ऑब्स्ट्रक्शन को देखने के बाद कई, अब ज़रूरी नहीं है ये पूरा कंडीशन देखने को मिले, कई बार ऐसा भी होता है कि सामने ऑब्स्ट्रक्शन आती है और सीधा ब्रेक पर पैर जाता है। ये D1 डिस्टेंस 0 भी हो सकता है प्रैक्टिकली, पर मैं आपको ये कंडीशन दे रही हूँ कि सामने दूर कुछ आपको ऑब्स्ट्रक्शन दिखी, कुछ टाइम आप उस ऑब्स्ट्रक्शन को ध्यान से देखोगे फिर आप ब्रेक अप्लाई करोगे, तो कुछ ना कुछ टाइम जो आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया सिर्फ सोचने में, उस डिस्टेंस को बोल दिया लैग डिस्टेंस। अब ये जो टाइम है, कितना टाइम लगता है
ड्राइवर को ब्रेक अप्लाई करने तक जब उसने लेग डिस्टेंस कवर किया, इस टाइम को क्या बोलते हैं हम लोग? रिएक्शन टाइम। अब रिएक्शन टाइम क्यों बोला? यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टाइम लग रहा है उसको ब्रेक अप्लाई करने के लिए, उसको बोल दिया रिएक्शन टाइम। जब ऑब्जर्वर ने ऑब्स्ट्रक्शन देखी और जब ब्रेक अप्लाई करी, इन दोनों के बीच का जो टाइम था वो रिएक्शन टाइम इसलिए बोला ना क्योंकि यहाँ पर तो ऑब्जर्वर ने कुछ रिएक्ट किया नहीं था सामने वाली सिचुएशन को देखकर। जब उसने ब्रेक अप्लाई करी ऑब्जर्वर के लिए रिएक्शन, रिएक्ट करने का मतलब क्या हुआ? सामने वाली सिचुएशन को देखकर उसने कैसे रिएक्ट किया? उसने ब्रेक अप्लाई करी। इससे पहले वो वैसे ही चल रहा था जैसे वो नॉर्मल था। तो मतलब इनिशियल कंडीशन से लेकर ब्रेक अप्लाई करने तक, ब्रेक अप्लाई करना मतलब रिएक्ट करना, तो जो टाइम कवर हुआ उसको बोलते हैं रिएक्शन टाइम। और इस रिएक्शन टाइम को कैसे निकालते हैं? इस रिएक्शन टाइम को कैसे निकालते हैं बताओ? इसको कैलकुलेट करने के लिए एक थ्योरी है जो आपसे ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में और आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछी जाती है, वो है पीव थ्योरी। पीव थ्योरी का फुल फॉर्म आपसे पूछ लेते हैं, इससे ज़्यादा तो क्या पूछेंगे, कल बताऊंगी इसके बारे में। तो पीव थ्योरी पढ़ते हैं हम लोग ये रिएक्शन टाइम निकालने के लिए। और पीव थ्योरी, पीव का फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, पी परसेप्शन, आई इंटेलेक्शन, ई इमोशन और वी वोलीशन, ये देखेंगे अभी कल। फिर ये D1 और D2 कैसे निकालने हैं, फिर D1 और D2 का डेरिवेशन देखकर हम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। फिर SSD, अगर आपका व्हीकल किसी स्लोपिंग एरिया में है, मतलब कि ऊपर की तरफ चल रहा है, इस अपवर्ड स्लोप में मूव कर रहा है या डाउनवर्ड स्लोप में मूव कर रहा है, तो इस स्लोप की वजह से क्या SSD में कुछ आएगा डिफरेंस या नहीं आएगा, किस केस में साइड डिस्टेंस ज़्यादा आता है, किस में कम आता है, ये हम लोग अभी कल की क्लास में सीखेंगे। ठीक है, ये हम लोग अभी कल की क्लास में सीखेंगे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। और कल इसके कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे SSD के। और फिर हम नेक्स्ट आएगा आपका ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस और हेडलाइट साइड डिस्टेंस। तो हेडलाइट साइड डिस्टेंस, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस और इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, इसके बाद हमने ये तीन साइड डिस्टेंस पढ़ने हैं। फिर आपका साइड डिस्टेंस कंसिडरेशन टॉपिक जो है वो कम्प्लीट हो जाएगा। फिर हमारे नेक्स्ट जो हाईवे क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स आते हैं, नेक्स्ट हाईवे क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स आपका हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट और वर्टिकल अलाइनमेंट, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट और वर्टिकल अलाइनमेंट, ये डिस्कस करेंगे। कल भी सेम टाइम पर क्लास होगी आपकी, ठीक है, शाम को 6 बजे, और इसी टॉपिक के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हाँ, तो कर्व्स भी हमारा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट में आ जाएगा ना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कर्व्स। तो जितना आज की क्लास में पढ़ाया है वो सारा रिवाइज करके आना, और फिर कल की क्लास में हम लोग SSD के लिए SSD का आगे डिस्कस करेंगे। तो आप इसका अगर बेसिक पढ़ना है तो बेसिक के लिए तो आप SK खन्ना एंड जस्टो वाली बुक ले सकते हो, ठीक है, उसमें ये सारी थ्योरी वगैरह ये सब आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ये सारे एक्सप्रेशंस भी अच्छे से एक्सप्लेन किए, शायद PDF मिल जाएगा आपको, नेट पे एक बार चेक कर लेना। चलिए, तो आज का सेशन अच्छा लगा हो, चीज़ें समझ में आई हो तो सभी लाइक ज़रूर करना, और कल की क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।